इंग्लैंड इंग्लैंड की क्रिकेट टीम पाकिस्तान आई है, तो आप इस बारे में क्या? इंग्लैंड की टीम का पाकिस्तान आना एक बहुत बड़ा आई थिंक स्टेप है फॉर द रिटर्न ऑफ क्रिकेट बैक इन पाकिस्तान। ऑब्वियसली हमने देखा कि ऑस्ट्रेलिया की टीम कुछ महीने पहले होके गई थी, और उसके साथ ही साथ काफी ज्यादा इंटरनेशनल टीम्स जो पाकिस्तान आती हैं। पीएसएल फाइनली अब पाकिस्तान के अंदर ही हो रहा है, कराची, लाहौर, पिंडी, मुल्तान में उसके मैचेस होते हैं। सो आई रिमेम्बर अभी भी कि बैक इन 2009 पे जब ये अटैक हुए थे श्रीलंकन टीम के ऊपर, पाकिस्तान के अंदर इंटरनेशनल क्रिकेट बैन हो गया था, जब टेररिज्म पाकिस्तान के अंदर पीक पे थी, तो किस तरह से हम लोग बुरी तरह से अफेक्ट हुए थे। अब देखने वाली बात यह है कि ऑब्वियसली तो पाकिस्तान और इंग्लैंड दोनों बड़ी टीम्स हैं। इंग्लैंड इस वक्त आपकी वर्ल्ड कप चैंपियन है, और पाकिस्तान की भी नंबर वन प्लेयर्स हमारे पास मौजूद हैं। सो अब देखना यह है कि उनकी एक वर्ल्ड कप विनिंग टीम का और एक पाकिस्तानी टीम का मैच खेल कितना इंटरेस्टिंग होगा, क्या देखने को मिलेगा, जो नया स्क्वाड होगा वो किस तरह से होगा। और बिकॉज ये सीरीज खत्म होने के बाद, इंग्लैंड के बाद फॉरन ही T20 वर्ल्ड कप भी स्टार्ट हो रहा है, तो इट विल बी अ गुड प्रेपरेशन फॉर बोथ टीम्स कि वो उनको टफ प्लेयर्स को खेलने को मिलेगा इन। तो अब ये है, बट टॉकिंग अबाउट क्रिकेट कमिंग बैक टू पाकिस्तान, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आई फील कि ऑस्ट्रेलिया और फिर इंग्लैंड का पाकिस्तान में आके मैच खेलना एक बहुत ही खुशाइन बात है, और होपफुली अगले साल तक हमें कोई इंटरनेशनल टूर्नामेंट लाइक चैंपियंस ट्रॉफी या वर्ल्ड कप या इस तरह की कोई इवेंट जो है वो भी पाकिस्तान में देखने को मिलेगा, बिकॉज पाकिस्तानीज लव क्रिकेट, और अपने डोमेस्टिक लैंड के ऊपर अगर क्रिकेट हो रही है तो फिर तो क्या ही बात है। क्रिकेट होने की वजह से लोकल लोगों को मसले मसाइल पेश आते हैं, ट्रैफिक के लोगों को आने जाने में मसला आता है, इस बारे में आप क्या कहना चाहिए? जी अच्छा। अब क्योंकि एक ये इस तरह की चीज है कि हम रिस्क नहीं लेना चाहते दोबारा, लास्ट टाइम तो हो अल्लाह की तरफ से जो अटैक हुआ था उसके अंदर कोई भी इंटरनेशनल प्लेयर जख्मी या फिर कोई जानी नुकसान नहीं हो सका था उनका। तो हम बड़े लकी रहे थे उस हिसाब से कि हमने उसको बड़ी इजीली बड़े सक्सेसफुली सारी हमने टैकल कर लिया था। लेकिन अब ऑब्वियसली इतने सालों से हम लोग कोशिश कर रहे हैं क्रिकेट को वापस पाकिस्तान लेके आने की, और लोग अभी भी डरते हैं आते हुए, तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई है कि हम उनको सिक्योरिटी भी फराहम करें। इनिशियली जो पहले शुरू शुरू में टीम आई थी, तो तब तो आई रिमेम्बर जब लाहौर में, बिकॉज हम लाहौर में रहते हैं, हमने फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस किया उस चीज का, तो आई रिमेम्बर कि पूरा एरिया ही ब्लॉक कर दिया जाता था मैच शुरू होने से कुछ देर पहले से लेके एंड होने तक, जब तक कि क्रिकेट टीम्स वहां से एग्जिट नहीं हो जाती थी। अब शुक्र है कि ये है कि सिर्फ जब जा रही होती है टीम स्टेडियम में, जब निकल रही होती है, तब थोड़ी देर के लिए 5-10 मिनट के लिए रोड्स बंद होती हैं। ऑब्वियसली वो 5-10 मिनट बंद रोड होने से भी काफी ज्यादा नुकसान होता है, ट्रैफिक फॉरन स्टक हो जाती है, बिकॉज लाहौर की ट्रैफिक भी बहुत ज्यादा फंस चुकी हुई है, इवन कराची में ये सिचुएशन होती है। बट आई फील के अगर ये इंटरनेशनल प्लेयर्स को सेफ फील कराने के लिए इम्पोर्टेंट है, तो जब तक हम लोग टेररिज्म को प्रॉपरली टैकल नहीं कर लेते, जब तक वी डोंट मेक श्योर के इस तरह के इंसिडेंट्स दोबारा ना हो, बिकॉज गॉड फॉरबिड अगर इस तरह का कुछ होता है, वी वोंट बी एबल टू रिस्टोर अपने एक जो इंटरनेशनल इमेज है, जो क्रिकेट अब तो फिर वापस आ गई, लेकिन अगर इस तरह कोई भी और इंसिडेंट होता है तो वी वॉन्ट बी एबल टू ब्रिंग बैक क्रिकेट इन पाकिस्तान अगेन। सो इट इज इम्पॉर्टेंट वी अंडरस्टैंड, एवरीबडी अंडरस्टैंड, वी आर क्रिकेट लवर्स, और इस वजह से थोड़ा सा अगर मसला होता भी है ट्रैफिक का, थोड़ा स्टक होने का, तो वे ओके बताए। क्या जो स्टेडियम अगर शहर से दूर हो, खुले इलाकों में, खुली जगह पर, ये ट्रैफिक का मसला ना हो, या होटल्स वगैरह करीब अगर बना दिए स्टेडियम में? अच्छा, ये आपका बड़ा वैलिड पॉइंट है। आई थिंक कि जिस तरह से हमारी आवाम के अंदर जितने ज्यादा लोग यंगस्टर्स को इंटरेस्ट है क्रिकेट के अंदर, ज्यादा क्रिकेट स्टेडियम, ज्यादा स्पोर्ट्स ग्राउंड्स होने चाहिए पाकिस्तान के अंदर। ऑब्वियसली हमारे पास वही गिने चुने कुछ शहरों के अंदर स्टेडियम्स हैं, 3-4-5 शहरों के अंदर अच्छे इंटरनेशनल लेवल के स्टेडियम्स पाए जाते हैं। अगर ये आउटसाइड द सिटी किसी बड़ी जगह पे, वहां पे, बट अगेन यहाँ पे बात ये आता है कि अगर हम लोग होटल्स बनाते हैं वहां पे, तो वहां अदर देन फिर क्रिकेट टीम कौन जाके रहेगा? हमें उसकी फिजिबिलिटी, उसका फ्यूचर, उसके क्या कहते हैं कि
कि क्या वो प्लॉजिबल भी है कि नहीं है, क्या ऐसा करना प्रॉफिट में जाएगा या लॉस में जाएगा, बिकॉज करने के तो चलो आउटस्कर्ट्स ऑफ लाहौर के ये किसी फार्मी जगह के ऊपर हमने बना दिया एक स्टेडियम, साथ में नियर बाय एक होटल भी बना दिया सब कुछ, बट व्हाट अबाउट देयर लाइफ, बिकॉज ऑब्वियसली मैच कुछ देर का होता है, देन दे हैव टू गो आउट मिंगल, मतलब जो भी उनको ट्रैवलिंग होता है, एंड अदर दैट कि बाहर वो होगा तो उधर क्या क्रिकेटर्स के अलावा या स्पोर्ट्समैन के अलावा कोई जाके रहेगा नहीं, तो काफी ज्यादा चीजें हैं जो आई फील लाइक कि सोल्यूशन ये नहीं है कि आप जगहों पर जाके दूर दूर जगहों पर जाके स्टेडियम बनाओ या होटल्स बनाओ, सोल्यूशन यही है कि आप टेररिज्म को काउंटर करो, कितना सक्सेसफुली आप वो काउंटर कर सकते हो, दैट इज दी ओनली सोल्यूशन।